स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद योर सिस्टर्स। ओके, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक सर्च, द्विघात, करनी, एंड हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज और परीक्षण करके देखे 9.3 का 1 एंड 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करूंगी, मे बी क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर दूंगी। तो होपफुली आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए, और जहाँ कहीं भी आप अटकते हैं तो आप जरूर कॉमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3। इफ एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 एंड जेड इक्वल 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक इस तरीके से इक्वेशन टाइप का, मतलब एक पॉलिनोमियल टाइप का क्या दिया हुआ है, एक सर्च दिया हुआ है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होल पॉलिनोमियल है, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। सारे रूट में हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड का एक नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू ऐसा होगा जिसमें सर्ट्स ना हो, रूट ना हो। ठीक है, विदाउट रूट होना चाहिए। चलो फाइंड करते हैं। ओके, देन ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है और इस पूरे टर्म का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। आप देख सकते हो कि जब एक्स वाई जेड का वैल्यू सामने में दिख रहा है तो क्यों ना उस वैल्यू को हम पुट कर दें। तो डायरेक्टली हम पुट करना है, अगर आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 3 रूट एक्स का वैल्यू है 2, तो 2 हो गया। जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है पुट करते जाएंगे, रूट वाई, वाई है यहाँ पे 3, रूट अंडर 3 प्लस जेड का वैल्यू है 6, रूट 6 हो गया, माइनस 4 रूट वाई, वाई का वैल्यू कितना 3, जेड 6, रूट 6 प्लस एक्स का वैल्यू 2, रूट 2 प्लस जेड रूट 6, एक्स रूट 2 एंड वाई 3, दैट इज रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यूज है वो क्या हो गया, रूट 3 प्लस रूट 6 एंड रूट 6 प्लस रूट 2 और रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो अब मैं हम देखो आप देख सकते हो कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें इन सारे को, मतलब ये 3 जो टर्म्स है, तीनों को हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। जब मैच करता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। बट जब कुछ भी नीचे जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो किसी से कोई मैच नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो चलो रैशनलाइज करते हैं। 3 रूट 2 डिवाइडेड रूट 3 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 6। जस्ट इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाता है माइनस के टर्म में, बीच में माइनस होना चाहिए ताकि फॉर्मूला पे ये अच्छे से पुट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ले लिया माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड रूट 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ क्या लेंगे, मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड रूट 6 माइनस रूट 2। सिमिलरली फॉर दिस, रूट 6 डिवाइडेड रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी, स्पेस की वैसे भी कमी है मेरे पास। तो 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो रूट रूट वाला एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 रूट 6। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 रूट 6 टू जा 12, 12 है, चलो ठीक है, रूट 12 डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट 3 दी स्क्वायर माइनस रूट 6 दी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और ये हो गया 6, 3 जा 18, 4 रूट 18 माइनस 4 से इसको करेंगे 3 टू जा 6, 4 रूट 6। ठीक है, माइनस 4 रूट 6, यहाँ पे माइनस को मैं नहीं चेंज करूँगी। यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर दैट इज रूट 6 दी स्क्वायर माइनस रूट 2 दी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमें क्या करना, वही सेम रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 2 दैट इज रूट 12 माइनस रूट 6 माइनस रूट 13 दैट इज रूट 18, 3 6 3 जा 18 डिवाइडेड ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई रूट 2 दी स्क्वायर माइनस रूट 3 दी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से माइनस था तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, आप चाहो तो सबको ब्रैकेट में अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका और ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, सॉरी, 3 रूट 6, 3 रूट 6 माइनस 3 रूट 12 डिवाइडेड 3 रूट 3 दी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 6 रूट 6 दी स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 4 रूट 18 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस प्लस 4 रूट 6 डिवाइडेड यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस हो गया। या फिर आप इसको चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं फिलहाल, तो या क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस को तो माइनस में रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ चेंज नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तब चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, बस हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से इसको बस चेंज किया है, तो रूट 6 माइनस रूट 2 दैट इज 6 माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस रूट 12 माइनस रूट 18 2 माइनस 3। ठीक है, अब आगे को कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये हो गया आपका 3√6 माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं ठीक है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, √6 माइनस √12, यहाँ पे 3 माइनस 6 जैसे माइनस 3, माइनस यहाँ 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो √18 माइनस √6, यहाँ पे 6 माइनस 2 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, ओनली 1, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो √12 माइनस √18 डिवाइडेड 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 ठीक है। इस तरीके से हमारा आ गया है, नेक्स्ट लाइन जगह तो है नहीं, इधर मैं कर देती हूँ, ये जो स्टार है यहाँ लेके आते हैं ठीक है। अब देखो कि ये जो 3 है और ये 3 है कैंसिल, ऊपर नीचे क्या होता है भाग लग जाता है 1, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो √6 माइनस √12 क्या बचा, √6 माइनस √12, यहाँ माइनस, अब ये जो ब्रैकेट टूटेगा ना तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, √18 माइनस √18, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस √6 ठीक है, यहाँ पे प्लस √12, अच्छा यहाँ माइनस है सॉरी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस √12 हो गया, कितना माइनस √12, और यहाँ माइनस आगे में हो गया प्लस माइनस माइनस ठीक है, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √18 18 ठीक है। ओहो दिखा नहीं आप लोगों को, मैं एक बार और बता दूं, देखो √6 माइनस √12 वो जगह तय हो गया, यहाँ माइनस था तो माइनस √18 हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस √6 हो गया, यहाँ पे √12 था और ये यहाँ माइनस हो गया था चूंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस के साथ मिलकर प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया था ठीक है। तो इस तरीके से साइन वगैरह चेंज हो गया, अब दिखते हैं कुछ कटेगा क्या, माइनस √18 प्लस √18 ये कैंसिल हो गया ठीक है, और माइनस √12 और माइनस √12 हो जा रहा है, तो अच्छा यहाँ पे जो माइनस है उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि इस माइनस को यूज़ करना था, आई एम सो सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस √6 क्या हो गया, माइनस √6 हो जा रहा है, और फिर आप देखो कि यहाँ पे जो माइनस है इसकी वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस √12 हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस √12, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, अब देखो सारे कट जाएंगे, माइनस √6 प्लस √6 कैंसिल, प्लस √12 माइनस √12 कैंसिल, दैट इज आंसर क्या हो गया 0, एंड 0 इज द आंसर ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने से बन जाएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 9.3 का 3 नंबर हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स इज इक्वल टू √7 प्लस √6 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन नंबर एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एंड द लास्ट वन इज x³ प्लस 1/x³, सबका हमें अलग अलग मतलब वैल्यू निकालना है ठीक है, मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, √7 प्लस √6 दिया हुआ है ऑनली ठीक है, इसके हेल्प से हमें क्या करना है, सबका मान निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मतलब कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता तो कुछ रेशनलाइज वगैरह करते, बट देयर इज नो एनी फ्रैक्शन, सो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर ओके। तो एक्स का वैल्यू क्या है, √7 प्लस √6 ठीक है, लेकिन हमारे पास 1/x का वैल्यू नहीं है, तो 1/x का वैल्यू हमें निकालना होगा, सॉरी ये चीज़ तो मैं बताना भूल गई, हमें क्या करना है 1/x का वैल्यू निकालना है। तो फाइंड कर लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू √7 प्लस √6 देन 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√7 प्लस √6, हमें क्या करना है x का वैल्यू ही पुट करना है ना, तो 1 डिवाइडेड समथिंग कर दिया, मतलब 1 डिवाइडेड x का मान हमने लिख लिया। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज, √7 माइनस √6 बाई √7 माइनस √6, अब ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा √7 माइनस √6, और यहाँ आप ध्यान से देखो कि √7 दी स्क्वायर माइनस √6 दी स्क्वायर, 7 माइनस 6 हो जाएगा दैट इज √7 माइनस √6 डिवाइडेड 1, 7 माइनस 6 एक लाइन और बढ़ा दूँ समझने के लिए, 7 माइनस 6 दैट इज √7 माइनस √6 ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, डिवाइडेड 1 अगर लिखो या ना लिखो, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू √7 माइनस √6 ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1/x का, अब हम पुट करते हैं 1 में, नाउ एक्स माइनस 1/x, एक्स का वैल्यू है √7 प्लस √6 और 1/x का वैल्यू है √7 माइनस √6, तो आगे में माइनस से हम ब्रैकेट ले लेंगे, जब भी माइनस देखो खतरा, ब्रैकेट से उसको घेर दो, उससे क्या होगा गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, √7 प्लस √6 माइनस माइनस √7 माइनस माइनस प्लस √6 ठीक है, इस ब्रैकेट ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, √7 माइनस √7 ये क्रॉस कट जाएगा, और ये √6 प्लस √6 क्या हो जाता है 2√6
एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, ये है थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ और ये दो नंबर यहाँ से हटा देती हूँ, दो नंबर हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स, नेक्स्ट में हम थ्री और फोर एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, एक्स का वैल्यू हमें पता है रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ठीक है, प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है, कितना आया था रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, तो क्या हो गया ये, बस हमें यहाँ पे ब्रैकेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारे प्लस में है, तो रूट सेवन प्लस रूट सेवन टू रूट सेवन और प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स क्रॉस, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये एक फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इस तरीके से ए द स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स दी होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए और बी तो बाई के फॉर्म में है, एक्स वन बाई एक्स है, तो ये एक्स एक्स क्रॉस, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुका है, ये टू रूट सेवन, फ्रॉम एबव लिख सकते हैं टू रूट सेवन दी स्क्वायर माइनस टू, अब टू का स्क्वायर होता है फोर और रूट सेवन का स्क्वायर होता है सेवन। ठीक है, तो फोर मल्टीप्लाई सेवन माइनस टू दैट इज सेवन, फोर जो ट्वेंटी एट माइनस टू दैट इज ट्वेंटी एट माइनस टू कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स, एंड ट्वेंटी सिक्स इज द आंसर, आ गया आंसर ट्वेंटी सिक्स। तो इस तरीके से हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव, जो हमारे पहले जो वैल्यू निकला है x प्लस वन बाई एक्स उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना कोरिलेटेड क्वेश्चंस, तो एक का जो वैल्यू होता है दूसरे में पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थर्ड नंबर सॉल्व कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो मैं इसको सिर्फ मिटाने वाली हूँ, तो बी केयरफुल कि आप इसको पहले ही बना लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स दी होल क्यू प्लस वन बाई एक्स दी होल क्यू। ठीक है, अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ज़्यादातर यूज होता है, ए प्लस बी दी होल क्यू माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस लिया जाता है। ठीक, तो ये इसका एक फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला होता है उसका यूज़ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ए इंटू ए बी का यूज़ होता है जो कि नहीं करना है। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो क्यों ना हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करें, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ए प्लस बी दी होल क्यू माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये और ये तो कैंसिल हो जाने वाला है, इसका वैल्यू हमें पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स टू रूट सेवन, टू रूट सेवन होल क्यू माइनस थ्री इंटू क्या है टू रूट सेवन। अब इसका वैल्यू अब हम फाइंड कर लेंगे, टू का क्यूब कितना होता है, टू का क्यूब होता है एट, और रूट सेवन को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर होता है तो टू टाइम्स, अगर टेट्रा होता है तो फोर टाइम्स, इस तरीके से, और ये थ्री टू सा सिक्स, तो माइनस सिक्स रूट सेवन। अब देखते हैं क्या हमें मिलता है, रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन, तो ये सेवन हो गया, और सेवन इज अ फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स रूट सेवन माइनस सिक्स रूट सेवन। अब ये दोनों एक ही बेस वाले हैं तो ये इजिली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 56 माइनस सिक्स कितना हो गया 50, एंड 50 रूट सेवन इज द आंसर। एक बार मैं आंसर मैच कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही है, 50 रूट सेवन इज द आंसर। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थ्री फोर, क्वेश्चन नंबर फोर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, मतलब इसका सरलतम मान निकालें, इफ द वैल्यू इज 14, अगर इसका वैल्यू 14 होता है, इस पूरे जो पॉलिनोमियल टाइप का दिया हुआ है, पूरे जो सर्ट्स है, इसका वैल्यू अगर 14 है, देन एक्स का मान कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इस सिंप्लीफाइड जो आएगा उसको इक्वल करेंगे 14 के साथ, बिकॉज इसका वैल्यू 14 दे दिया है, देन वहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो इसे बनाते हैं, यहाँ पे जो ट्रिक मैंने बताया था वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है, आप देखो कि यहाँ पे आप सब सीधे आप डेनोमिनेटर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, डेनोमिनेटर देखना है हमें, a माइनस बी, ये टोटल b है, मान लो a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब जो नंबर्स है ना वो जो भी है, x x मैच करता है और ये भी मैच करता है, इसका मतलब a a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा क्या, ये पूरा x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब यहाँ से आप देखो कि नीचे से डिवाइड हो जाएगा,
इससे अगर इसको इस पूरे को इससे डिवाइड करते हैं तो ये और ये टर्म कट जाता है, ये टर्म बच जाता है, इस टर्म को इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है वो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, है ना। मैं एक बार दिखा दूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। उसी तरीके से हमें दिस और ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये और ये टर्म कट जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा जो कि इसके साथ बिल्कुल इक्वल है। तो फिर से यही फॉर्मूला आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस है, देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस और माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला ए माइनस बी दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी दी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर ये आया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको लॉन्ग वे में ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूला। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर माइनस हुआ तो, अगर प्लस हुआ तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, मैं लंबा फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला नहीं पता है। तो चलो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर वन दी होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस था बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस टू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर डिवाइडेड। तो अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है एक्स है और बी की जगह पे क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हमने वही किया। अब यहाँ पे देखो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, अभी यहाँ पे रूट अंडर दी होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है माइनस टू इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, यहाँ पे भी रूट अपने आप गायब हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग से हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट यहाँ से गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट यहाँ पहले से माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, यहाँ 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 और यहाँ चार एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं हम फोर एक्स स्क्वायर सबको ऐड करने के बाद प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सेम चीज़ है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है तो ये हो गया कट। ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ माइनस वन, सॉरी ये तो कट गया था, माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कितना होता है माइनस टू, तो माइनस टू डिवाइडेड वन, वन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू आपका आंसर है, ये वैल्यू आया। अब अगर इसका वैल्यू 14 के बराबर हो, मैं एक बार इसको दिखा दूँ, ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने काटने छाटने के बाद कितना लाया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू हम लेकर आए, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, अब ये अगर 14 के बराबर है तो इसका मान कितना होगा, इफ इज दिस इज इक्वल टू 14, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम कर सकते हैं कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स 14, देन फोर एक्स स्क्वायर ये टू इधर चला जाएगा तो 14 प्लस टू कितना हो गया 16, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड 4, फोर से इसको कट करेंगे फोर टाइम्स में, दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4। ठीक है, रूट अंडर 4 का मतलब है कि x का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। एक बार आंसर भी मैं चेक कर लेती हूँ, एग्जैक्टली जब ये रूट चढ़ता है ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 क्योंकि 4 का जो वो होता है रूट होता है वो होता है 2, तो x का मान हमने निकालना था, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा और हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3, तो कर लिया था हमने 3, 4 एंड 5।
थ्री फोर एंड फाइव हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है ये एप्लीकेशन है सर्ट्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और मैं डेली वीडियोज़ डालते रहती हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेट रहिए। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब गिरी स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। बाय बाय।